लगे गुरिये नम्मा जुगाद गुरिये नम्मा सत गुरिये वे हाथ जोड़ वंदना करां गुरु जी दोवे हाथ जोड़ वंदना करां गुरु पछवाल दे साहिता जवाल दे गुरु पछवाल दे साहिता जवाल दे शीस चरना दे उठते मैं तेरा जी मैं तुम्हें हाथ जोड़ वंदना करा दिल्ली वाल तोरिया दुखी पंडित
आई भा तुमे हाथ जोड़ बंद ना करा जी मैं तुमे हाथ जोड़ बंद ना करा चिंता किया शहादत का जाम पिला कर जो कभी नहीं देखी थी वो करके दिखाए तुझे मुझे कसम है गुरु गोबिंद सिंह तेरी एकताई की बिगड़ी हुई तकदीर बनाई तूने पंथ काल सास जाया पावे चुल मान उठल भेड पानी पीवे राज न शेर देखे यो देवल पंथ काल सास जाया पावे चुल मान उठल भेड पानी पीवे राज देखे यो देवल पादती मूर्तियां दे विच जान तूने हाथ जोड़ बंद ना करा जी मैं तूने हाथ जोड़ बंद ना करा सुन फरियाद पीरां दे पीरा सुन फरियाद पीरां दे पीरा ओ मेरी अर्ज सुनी कन करके उस बेड़े नू खतरा उस बेड़ा नू खतरा काजा ओ जिथे आप खड़े वंज पड़ के तेरे आए मीत छेर पूरी भी ये पोपी
दोवें हाथ जोड़ बंदे ना करां जी मैं, दोवें हाथ जोड़ बंदे ना करां गुरु पाठा वाले दे साहिता जा वाले दे, गुरु पाठा वाले दे साहिता जा वाले दे दोवें हाथ जोड़ बंदे ना करा जी मैं, दोवें हाथ जोड़ बंदे ना करा हो वाहे डंडौत बंदन अनक बार सर्ब कला समर्थ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ तेरी कवन बढ़ाई जो तू दे सो कहाँ स्वामी मैं मूर्ख कहन ना जाई पतित पावन भगत वछल कृपा निधान जुगो जुग अटल चवर ते तखत दे मालक खंडा ब्रह्मंडा दे मालक कलयुग के बोहित नाम के जहाज सांझी वालता दे प्रतीक हाजर नाजर प्रतख गुरु दे स्वरूप गुरु मौजूदा गुरु धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज परम पिता बापू की गोद विच जुड़ करके उस ब्रह्मनेष्ट ब्रह्म बेता ब्रह्मलीन अवस्था दे मालक ब्रह्म ज्ञानी और संगीत की छैबर लाने वाले संगीत की सोझी अनेक जीवों के वर्ताउण वाले सचखंड वासी गुरप्रवासी परम सत्कारयोग धन धन बाबा सुचा सिंह जी जिन्हों की सत्तवीं बरसी नू याद नू ताज़ा करदे आपां जुड़ करके गुरद्वारा एक ज्ञान प्रकाश विखे संत बाबा अमीर सिंह जी दे प्रेरण सदका जुड़ बैठे और जितने भी चल करके आए हो सुभागे हो सतगुर पातशाह आप जी दे चले कदम लेखे दे विच लावन क्योंकि ऐसी धरती दे उत्ते पवित्र धरती दे उत्ते तप धरती दे उत्ते जदों कोई गुरमुख प्यारा चल के आउंदा है गुरु की कृपा हुंदी है बख्शिश हुंदी है रहमत हुंदी है जितने कदम आप जी चल के आए हो एक एक चलिया कदम आप जी का लेखे विच है आओ जिथे शरीर करके हाजरी आपां सारे लवा रहे हैं उहदे नाल मन की हाजरी और महापुरखां दे चरणां दे विच शरदा दे फुल आपने अर्पित करने का यत्न करना प्यार ते सत्कार सहित सतगुर की बख्शी हुई गुरफतेह की सांझ एक बारी रल के सारे पाओ जी आखो खालसा जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं पहले ही बेनती कर चुका हाँ ये ओ पावन पवित्र धरती है जिथे संगीत की सोझी दिती जाती है इथे गाने आना मैं कह भी जे कोई कहे मैं बहुत वधिया कोई संगीत सुनावा या मैं कोई बहुत वधिया गल करा क्योंकि जिथे अनेक जीवों गुरमत का ज्ञान दे के संगीत की सोझी दे के इतों प्रेर करके जोड़िया जाता उस धरती पर आना ही साडे लई अपने आप में बहुत वड्डी गुरु की कृपा समझी जाती इह महापुरखों की कृपा है सतगुरु जी की कृपा है जो इतने आकर के गुरमत के मारतन दे विच आकर के हाजरी भरदा जिहड़ा सुभागा समा मिलता है और ढाडी दरबार की शुरुआत जो महापुरखों के प्रथाएं हर साल की तरह इस साल भी प्रारंभ की गई और पहला समा दास नूं देख करके निवाजे। मैं बेनती प्रारंभ करा कि जिनके पुरब मनाते हो उनकी बात भी मानो, जिनके पुरब मनाते हो उनकी बात भी मानो, तुम जिनके दिन मनाते हो उनके दिल की भी जानो। हम जब भी तुम्हारे दर पे गए हाथों में लेकर फूल गए, वो फिरना हर्षु मक्के का वो रुकना गिरते पर्वत का, हर चीज तुम्हारी याद रही पैगाम तुम्हारा भूल गए। अपन जदों भी जिसकी याद विच जुड़िए उन्हां महापुरखों का ध्यान धर के आप हमेशा ख्याल करिए कि आपने उन्होंने तो सेध ली उन्होंने हुक्म नूं मन्निया उन्होंने बचना नूं मन्निया जे मन्निया तो धन्नवाद जे नहीं मन्निया तो आप मनण का यतन करिए तद साडे दिन मनावण का लाभ है। परमात्मा कित्थे रहिंदा है किसे सवाल किया भिक्षु ने कहता है संत जी परमात्मा कितने रहा कड़े भटकते हैं
लाखों दाना हजारों पंडित करोड़ों सियाने पर जो खूब देखा तो यार आखिर खुदा की बातें खुदा ही जाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने क्योंकि संतां दे विच साध दे विच और परमात्मा दे विच कोई भेद नहीं ऐसे लिए कह दिता कि साध बचन अटला दा और जिस विषय का मैनूं हुक्म होया जिवें साढ़े सबका जथेदार साहिबान आप जी नूं जोड़ रहे सन छेवें पातशाह दे प्रसंग दे नाल उतों ही मैं प्रणता क्योंकि विशा मैनूं ओह दिता गया महापुरखां वल्लों छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जिन्हां दा जन्म माता भानी जी की पावन पवित्र कुख तों होया याद रखना साहिब माता गंगा जी की पावन पवित्र कुख तों होया माफ करन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी के घर पांच पुत्रां अते एक पुत्री ने जन्म लिया बाबा गुरदित्ता जी बाबा अणी राय जी बाबा अटल राय जी बाबा सूरजमल जी बाबा त्यागमल जी ते एक बेटी सी बीबी वीरो धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी ने 1609 ईस्वी विच अकाल तख्त साहब की रचना की सरजना की जिमें आप जी ने सरवण किया कि दिल्ली के तख्त नालों इनू उच्चा रखिया गया इतने ही ढाडी सदे जो आप जी ने प्रकरण सरवण किया उन्हें पहली बार जो पढ़ी वह भी आप जी ने सुनिया दो तलवारां बधियां एक मीर दी एक पीरी दी एक अजमत दी एक राज दी एक राखी करे वजीर दी हिम्मत बाहां कोट गढ़ दरवाजा बल्ख बखीर दी ओए नाल सिपाही नील नल मार दुष्टां करे तागीर दी पग तेरी के जहांगीर दी सतगुरु जी ने दो तेगां पहनियां एक मीरी दी एक पीरी दी जदों दो तेगां पहनियां कई लोगों नूं चंगा ना लगा काफ़ी जमाने नूं चंगा ना लगा एक फकीर सी उहदा नां सी जहांगीर ये शाह दौला जिहड़ा गुजरात का रहण वाला सी उहदा शिष्य सी उहदा चेला सी जहांगीर ये अमृतसर आया आके ने जदों दो कृपान छोटी उम्र के पहने तकिया आकर के कहिंदा 14 साल की उम्र में जदों देखना किया कहन लगा सतगुरु जी ये दो तेगां ये दो तलवारां जो तुसीं पहनियां ने इहदे अर्थां नूं जाण दे सतगुरु जी मुस्कुरा के कहन लगे जहांगीर जे जानदा ना हुंदा ते फिर पहनदा क्यों वह कहिंदा गुरु नानक ने नहीं पहनी अंगद देव ने नहीं पहनी अमरदास ने नहीं पहनी रामदास ने नहीं पहनी यहां तक कि तेरा पिता तत्ती तवी ते बैठ के गाँदा रहा कि तेरा किया मिठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे उन्हें नहीं पहनी धन गुरु हरगोबिंद साहब जी मुस्कुरा के कहन लगे जहांगीर जेकर जुलम नहीं रुकिया तदे तो एक दी थां ते दो तेगा पहननियां पै गई उन्हें एक सवाल किया वह कहिंदा हिंदू की फकीरी की औरत की पीरी की पुत्र की वैराग की दौलत की ते फिर त्याग की सवाल बड़ा कीमती है सतगुरु जी कहन लगे जहांगीर औरत ईमान है दौलत गुजरान है पुत्र निशान है और जो फकीर है वो ना हिंदू है ना मुसलमान है उहदी कोई जात नहीं कहिंदे चरना ते ठठा सतगुरु जी मैं जान लिया कि तुसी दो तेगां क्यों पहनियां ये दो तलवारां क्यों पहनियां मैं जान लिया फिर हजूर ने चार जंग लड़े जिहड़ा पहला जंग लड़िया उदों घर दे विच बेटी बीवी वीरो दा विआह सी तकियो जदों पहला जंग लड़िया हुण घर बारात आई होवे घर विआह की तैयारी होवे ते दुश्मन चढ़ के आ जावे उत्थों दा हाल कैसा होवेगा पर धन गुरु हरगोबिंद साहिब योध्यां तक के कहन लगे खालसा जी घबराउणा नहीं डरना नहीं इट दा जवाब पत्थर नाल दिओ लक्कड़ दी तोप दे विचों गोलियां सतगुर पातशाह ने आप चलाईयां ते पहला जंग अमृतसर दा फतेह कीता सतगुर ने चार जंग लड़े आखिरी जंग जिहड़ा लड़िया उह सी करतारपुर दा जंग जदों पहला जंग लड़िया दूजा जंग लड़िया तीजे जंग दे विच इक पेंदे खां सी पठाणा दा मुंडा जिहदा पिंड ते सी आलम पर इह रहिंदा सी छोटा मीर क्योंकि इत्थे विआहिया होया सी इन्हें सतगुरु जी ने पालिया सतगुरु जी ने इनू सिखिया दिती सतगुरु जी ने तीर चलाना सिखाया सतगुरु जी ने तेग वाउणा सिखाया जिन्हें भी करतव उह सतगुरु जी ने इस नूं सिखाए पर अज यही पेंदे खान सतगुर पातशाह तो बागी हो गए सतगुर पातशाह तो यह मुनकर हो गए उन्हें तकिया नहीं कि मीरी पीरी मेरे मालक वह कितने तखत के सुभाए मान से कितने लोग आके जुड़ते ने लाहा लेंदे उन्हें तकिया नहीं जो भाई गुरदास जी ने कह दिता ना पांच प्याले
पांच पीर छठम पीर बैठा गुरभारी अर्जन काया पलटके मूर्त हरगो बिंद सवारी चली पीड़ी सोढ़िया रूप दिखावन वारो वारी दल भंजन गुरसूरमा वडयोदा बहु पर उपकारी मीरी पीरे दे मालक दी सिफत नू ढाडी जथा है इयों वर्णन करन गुरछे में पातशाह बीए सत्कारा
धन गुरु छेवे पातशाह पीए सतकारा हो, 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 हो। मेरी पीरी दे मालक धन साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज तक्यो चौथा जंग करतारपुर का जंग पेंदे खां जिसनू सतगुर पातशाह ने पालिया जिन्हों हत्थां नाल पाल पोस के वड्डा कीता शस्त्र विद्या दित्ती ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ, ਚਿੱਤਰ ਸੈਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ 500 ਮੋਹਰਾਂ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ, ਇੱਕ ਪਛਾਕਾ, ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੁੱਠ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਬਾਜ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਓ, ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਬਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬਾਜ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਪਠਾਣ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਜਰਨੈਲ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ? ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਗ ਨਾ ਵਾਹੁਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਵਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਧ ਕਿਹੜਾ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੜਾਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ? ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਜੇ ਗਲਤੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੋ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਸੀ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਮੁੱਠ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਤੇਗ ਲੈ ਕੇ, ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਗੁਰਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ ਰੋਜ਼। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਤ ਵਚਨ, ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਸ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਜਿਹਦਾ ਛੋਟਾ ਮੀਰ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਈ ਸੀ ਸਮਾਨ ਖਾਨ, ਉਹਨੇ ਤੱਕਿਆ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਤੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਅਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਘੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਤਲਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਡਰ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਸਮਾਨ ਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਘੋੜਾ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਲੈ ਕੇ, ਤਲਵਾਰ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਜ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਬਾਜ ਉੜਦਾ ਉੜਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ ਅਸਮਾਨ ਖਾਂ ਦੀ। ਅਸਮਾਨ ਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦੇ ਬਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜ ਲਏ। ਹੁਣ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖ ਅਸਮਾਨ ਖਾਂ, ਇਹ ਬਾਜ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਜ ਨਹੀਂ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਜ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜਤੀ ਮਲ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਹਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਨਣਾ ਪਹਿਨ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
कहिंदे पेंदे खां किते झूठते नहीं बोलदा, कहिंदा नहीं सतगुरु जी मैं बिल्कुल सच पिया कहिंदा, पर घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाण। सतगुरु कहिंदे अच्छा भाई गुरदित्ता जी का बाज किथे आ, उह कहिंदा सतगुरु जी किहड़ा बाज, मेरे कोल ते कोई बाज नहीं। कहिंदे तेरे जवाई ने चुराया जिहड़ा बाज, उह कहिंदा सतगुरु जी झूठ बोलदे ने। गुरु हरगोबिंद साहिब जी मुस्करा के कहन लगे देख पेंदे खान झूठे नहीं बोलदे, झूठ तू पिया बोलदा तेरे करबाज है। वह कहिंदा जी नहीं। सतगुरु जी कहन लगे साडी सौं खा के कहना। एक कहिंदा जी तुहाडे चरणा की कसम, वो यारो किसे जर बदले किसे जमीन बदले, बादशाहियां टकराउंदियां वेखियां ने किसे कीमती हीरे पुखराज बदले, पर पेंदे खां दी वेखो मत मारी गुरां नाल बिगाड़ ली एक बाज बदल। बाबा बिधी चंद जी नूं भेजिया, उन्हें जाके दे कर मारिया छापा, वो घोड़ा भी पोशाका भी तलवार भी ते बाज भी लैके सतगुरु जी दे कोल पहुँच गए। हुण पेंदे खां नूं क्या हुण दस, वो कहिंदा जे मिलिया तां मिलिया सी, तुसीं मेरा की बिगाड़ लो। इधर उधर की लगा जदों बोली बोलन, बाबा बिधी चंद ने पकड़ के बाँह तों उन्हूं बाहर कढ़ दिता। कहिंदा ओ पेंदे खान ये गल ठीक है कि तैनू सतगुरु ने पालिया, पर गुरु नानक दे पातशाह दे खिलाफ कोई जोत दे खिलाफ बोले तो यह सहन जोगा नहीं होवेगा, भली चाहुंदा ते चला जा। ये चला गए। ये जवाई ने जदों तकिया इन्हें मूँह लमकाया, हुण लेलड़ियां कढ़े, वो कहन लगे की होया मियाँ जी। कहिंदे सारा पुआड़े दी जड़ते तू है, तू ना बाज लैंदा ना घोड़ा लैंदा ना पोशाक लैंदा ते ना छापा होना सी। वो कहन लगा होया की? कहिंदे उन्होंने धक्के मार के डंडे मार के कुट के बेइज्जत करके मैनू दरबार चों बाहर कढ़ दिता है। उन्हूं भी गुस्सा आया, वो कहन लगा चलो मेरे नाल आपां देखदे आं गुरु किड्डा कु वड्डा बन गया। हुण पेंदे खां दे चाचे दा मुंडा जिहड़ा सी कुतब खान, वह सी जलंधर दा सूबेदार। ये कुतब खान के पास आ गए, इनू जाके सारी गल सुनाई। कुतब खान कहन लगा ओ पेंदे खान गुरु नू जितना तेरे या मेरे वस की गल नहीं, चलो आप लाहौर बादशाह को चल दें। ये लाहौर आ गए। हुण लाहौर आ के पेंदे खान ने इत्थे अपना सवाल अपनी बेनती की। पहला तो उत्थे एक वजीर सी जिहदा नां लिखिया वजीर खान, उन्हें एक ना चलन दिती। जदों आसे पासे होया इन्हें कहन लगा बादशाह देखो किड्डा वड्डा लोड़ आ गया, उत्थे वह नहीं जीण दिंदा ते इत्थे तुसीं मेरी बेनती नहीं सुणदे। वह कहन लगे पेंदे खान कहना की चाहुंदे? वह कहिंदा जी देखो मैं उहदे दरबार विच नौकरी करदा सी हरगोबिंद दे। कहिंदे फिर? कहिंदा मेरी 6-7 महीने की तनखा रुकी है, मैं जदों तनखा मंगी उन्होंने तनखा देने की बचाए मैनू मारिया कुटिया ते दरबार चों जलील करके कढ़ दिता। बादशाह जहांगीर कहन लगा वह पेंदे खान तू मेरा ना लेना सी भी मैं बादशाह सलामत कोल जाके दसूंगा। वह कहिंदा महाराज एक वार थोड़ा, मैं अनेकां वार तुहाडा ना लिया रो रो के भी मैं बादशाह नूं दसूंगा। वह कहिंदा फिर उहने की किहा? कहिंदा उह ते हंकारिया इन्ना, वह ते तैनूं बादशाह ही नहीं मनदे। एक बार सारे आखो सतनाम। वह तैनूं बादशाह ही नहीं मनदे, वह तैनूं ते झूठा बादशाह कहिंदे ने, सच्चा पातशाह वह बणिया। फिर तेरे ते उहदे च फर्क की? तू घोड़े रखदा उहदे कोल घोड़े ने, तू फौजां रखदा उहदे कोल फौजां ने, तेरे कोल तख्त है उहदे कोल तख्त है, तेरे ते उहदे च फर्क की? कहिंदे इन्नी उहदी हिम्मत के मैनू ललकारे? कहिंदा बादशाह इत्थे वस नहीं। सुणियो झूठ किसे दे प्यो दा नहीं हुंदा, जिन्ना मर्जी बोलवे चुगली जिन्नी मर्जी कर लवे, पर निंदिया भली किसे की नाही, मन मुख मुग्ध करन मूँह काले तिन निंदकां, नरके घोर पवन। तकियो जरा पेंदे खान कहिंदा बादशाह इत्थे बस नहीं, कहिंदे होर भी अगे है। कहिंदा जदों मैं ना लिया ना मैं बादशाह नूं दसूंगा। उन्होंने कहना किया अगे दो वार बैठकां कढ़ाइया, तीजी वार फिर कढ़ा देंगे। वह वजीर नूं कोलों कहिंदा सच कहिंदा? वह कहिंदा जी ज़्यादा मैनूं पता नहीं, पर आपां जंगों तो जरूर हारे। उन्हें उस वेले आके गुस्से विच एक भरमा लाण किया, कहिंदे कोई मर्द जवान सुरमा उठे जिहड़ा हरगोबिंद नूं जिंदा जां मरदा पकड़ के मेरे शाही दरबार पेश करे। सारे मर्द जाणदे सन कि काबली मल गया मारिया गया, मुगल सिखां गया मारिया गया, जिहड़ा हुण जाएगा वह भी मारिया जाएगा। कहिंदे सारिआं ने धौणा नीवियां कर ली। उन्हें फिर गरज के कहा, कहिंदा सूरमिओ ओ योधिओ ओ पठाणा दे बचिओ, जंग लौड़ना तुहाडा करतव है। कोई सूरमा उठे हरगोबिंद नूं पकड़न लई? कहिंदे जदों दूजी बारी भी ना उठिया, इन्हें तीजी वार ललकार के कहा, इतों तक शब्द वरते, कहिंदा मैं अपनी फौज के मर्दां नूं भर्ती किया जां खुसरियां नूं भर्ती कर ले।
कहिंदे जो ताना दिता ना इसने बोली मारी इसने उस वेले ताना सुन के काले खान पठान जिन्हें चौड़ी छाती कहिंदे पाना दा बीड़ा किता मुछ म्यान च कीती तलवार वह कहिंदा बादशाह सलामत मैं जावांगा हरगोबिंद नूं पकड़न दी खातर नाले मैं अपने भरा दा बदला भी उहदे कोलों लैण दस काले खान किन्नी कु फौज चाहीदी है कहिंदा जी दे दिओ 20,000 पर इन्हें 50,000 फौज चुनवे जरनैल चंगे शस्त्र इनू दे करके उतों तोरिया ये पेंदे खान अनवर खान असमान खान काले खान कुतब खान ये सारे दे खान आके जलंधर पहुँचे। जलंधर तो इन्होंने अनवर खान सतगुरु जी पोस जासूसी करने भेजे नाले थोड़ा डराने भेजे इन्होंने नीति वरती अनवर खान सतगुरु जी के कोल आया आके कहन लगा सतगुरु जी तुसी चंगा नहीं किया। वो कह लगे की चंगा नहीं किया केंद्र जेकर पेंदे खां की तनखा दे देंदे तो अज इन्ना कलेस नहीं सी वधना। सतगुरु कह लगे तू विंग बल पा के क्यों कहना सीधी गल कर अनवर खान। वह कहिंदा जी तुसी तनखा नहीं ना दित्ती उन्हें बादशाह नूं जाके दस दिता फौजां चढ़ के आ गई 1-2 हज़ार नहीं 50,000 फौज तुहाडे ते हमला करन लई आ गई हुण भी चंगा जे माफ़ी मंग लो। गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज भड़के कह लगे कहिंदा अनवर खान जे ते आया डराउण एक गल चेते रखी असी किसी का डर नहीं मनते सिवाय निरंकार तो और जे आया सानू ज्ञान देन कहिंदे गुरु नानक मुरशद दे हुंदिया सानू तेरे पासों कोई ज्ञान या सलाह लैण की लोड़ नहीं भली चाहुंदा ते चला जा। बाबा विधि चंद होरां ने पकड़ के बाहर कर दिता इनू भी गुस्सा आया चार गल्लां इन्हें होर जोड़िया 25,000 इन्होंने होर फौज अपनी फौज जोड़ ली 75,000 फौज ये चढ़ करके गुरु हरगोबिंद साहिब नूं पकड़न की खातर करतारपुर के मैदान जंग में आ पई। उधर सतगुरु जी का तके हाल 1800 जरनैल से अपने घर के भी थोड़े गदारी कर रहे सन धीरमा लौनी भी गदारी कर रहे सन हमें तो अपनों ने मारा गैरों में कहां दम था। पर चेते रखना जेडे वैरी नाल रल जावे तो कदे अपनियां चालां विच कामयाब नहीं होया करदे। सतगुरु जी ने बाबा गुरदित्ता जी को बुलाया सतगुरु जी ने बाबा त्यागमल जी को बुलाया सारे सूरजमल जी को बुलाया सारियां नूं बुला के बाबा विधि चंद जी उन्हां नूं बुलाया कहन लगे सो जो दिओ अज इम्तिहान होवेगा सिखी का चर्चा इश्क का कर कर कमाउंदा कोई कोई एक करार ते बड़े हुंदे ने पर निभाउंदा कोई कोई तकियो मैदाने जंग विच लैके सतगुर पातशाह तों आ गया एक पासे कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु नानक पातशाह दे छेवें जानशीन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी दे योधे एक पासे टोपियां वाले जय देवा या अली दे नारे मार दे मैदाने जंग विच आए तेगां चलियां गोलियां चलियां रैकले चले इक दूजे ते मर्दां ने भरमे वार किते ते बाबा त्याग मल लैके श्री सिंह लैके तेग लैके सतगुरु जी तो आ गया बाबा सूरजमल लैके आ गया किवें मैदाने जंग विच वैरी दे डकरे करदे ने तकियो जरा हाल Oh no!
ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਦਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਿਆ ਵਤੇ ਦਲਾਨ ਆਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਕਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਟਾ ਦਿੱਤੇ बाबा सूरजमल जी लड़ते पे ने बाबा त्यागमल जी लड़ते पे ने कहते बाबा त्यागमल ने ऐसी तेग वाही करतारपुर के जंग दे विच तक के धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज कह लगे वाह वाह तू साडा त्यागमल नहीं तेग का धनी तेग बहादुर है तेग बहादुर हुण तक्यो कैसा नजारा सी ओए तेग का धनी तेग बहादुर पर जदों तेग दे नाल तलवार दे नाल जलाद ने कतल किया उदों मुख चों उप नहीं की सी नहीं की चांदनी चौक नूं तक लैण जलाद ने एक गल कही सी कहिंदा तेग बहादुर जिन्हां दी खातर मरन लगे हो जंजुआं दी खातर मरन लगे हो तिलकां दी खातर मरन लगे हो कहिंदे तू ना जंजू पैण दा ना तू तिलक लाउंदा क्यों मरन लगे हो इन्हां दी खातर सतगुरु जी ने इको जवाब दिता सी गल तिलकां दी नहीं गल जंजुआं दी नहीं ओए गल है मनुखता ते होर है जुल्म नूं रोकण दी ते गल है इंसानियत दी गल है मौलिक अधिकारां दी पै काहू को देत नै पै मान त्यान कौ नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखां उन्हें फिर एक गल कही तेग बहादुर ये मेरे हाथ में जो तलवार इहनूं जानना सतगुरु जी कहन लगे हाँ मैं वाहुणी भी जानना कहिंदा हाँ भी तेग अज तेग ते तेग दा वार होएगा जमाना तक के दंग रह जाएगा कहिंदा तक लेना इस तेग ने डोलना नहीं इस तेग ने टुटना नहीं इस तेग ने रुकना नहीं ओए जल्ला मता तेरे मन विच ख्याल आए कि मैनू तेग वाहुणी नहीं आउंदी बाबा त्यागमल दा ना ही तेग बहादुर तेग वाहुण करके पिया
कहिंदे सतगुरु जी ने कहिया बख्शिश दे विच तू साडा त्याग मल नहीं तेग दा तनी तेग बहादुर है तेग बहादुर। आखिरकार लड़दियां लड़दियां जदों काफ़ी फौज मारी गई क्योंकि रात दे वेले हमला किया सी जदों काफ़ी नुकसान हो गया हुण काले खां मुखलस खां अनवर खां पेंदे खां ये सारे गल्लां करदे ने हुण कौन जाएगा अगे। इन्होंने पेंदे खां नूं चुणिया काले खां कहिंदा ओ पेंदे खां तू तो कहिंदा सी जिहड़े जंग जिते ने वह मैं जिते ने हुण हो अगे हुण तू आप पिछे लुके बैठा कहिंदा हरगोबिंद नूं जिंदा जां मुरदा हुण पकड़ के दिखा। वह कहन लगा ठीक है मैं तो देखता सी कि मेरे तो बिना जंग दे विच किन्ने क योधे लड़दे ने दलेरी नाल पर मैं मरन वास्ते तैयार हाँ मैं जाण वास्ते तैयार हाँ। पेंदे खां ने घोड़ा छेड़िया जदों घोड़ा छेड़िया धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज के सामने आ गए। इनू रस्ते दे विच ना बाबा गुरदित्ता जी अटकाउण लगे इनू बाबा बिधी चंद जी अटकाउण लगे। सतगुरु जी ने इशारा किया कहिंदे नहीं पेंदे खां नूं अगे आण दिओ साडे पास जे वह चाहते भाई जती मल जी आनी तो इनू अगे ना जान देंदे जे वह चाहते इनू उत्थे डाके मार सकते सन पर सतगुरु कहिंदा ओ नहीं नहीं पेंदे खां नूं अगे आण दे। पेंदे खां अगे चला गया सतगुरु जी तैयार सतगुरु कहिंदा ओ पेंदे खाना अज पिता ते चढ़ाई करके आ गए हो जमीर ना दी ते कोई चीज़ तेरे विच नहीं बची क्योंकि पुत्रां वांगू पालिया सी ना क्योंकि सारिया कसमां भुला के वो सारे एहसान भुला के अज तू मैदाने जंग विच आ गए पिता नाल लड़न लई। फिर मुस्करा के कहिंदे खैर जे लड़न आई गया ते हुण मर्दां वांगू लड़ी पहला ते लाज ला दित्ती हुण वेखी किते लाज ना ला दे भी शस्त्र वाणा नहीं आउंदा। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज कह रहे ने गल एक मोहसन फानी है वह कहिंदा मैं सुनिया ते सी पर मैं करतारपुर के जंग विच अखीं डटा भी दुश्मन ते वार करदिया भी धन गुरु हरगोबिंद साहब किवें मुस्कराउंदे रहे कहिंदा पहली वार तके सतगुरु कहन लगे ओ पेंदे खां जे चढ़ गया ते हुण कोई कसर बाकी ना छड्डी पहला वार करन दा समां तैनू देने। इहने मन विच सोचिया भी इह भी कोई जंग दी नीति है यह भी कोई मर्दां दा कम है कि मैदाने जंग विच कह देना भी पहला तू वार कर पर सतगुरु जी ते जानी जान सन उन्हें अजे भी नहीं जानिया। सतगुरु कहिंदा पेंदे खां कदे तेरे मन च रीझ रह जाए कि मैनू वार करन दा मौका नहीं मिलिया पहला वार तू कर। इन्हें बड़े जोर दे नाल पिछों घोड़ा भजाया बड़े जोर नाल तलवार दा वार किया पर कहिंदे सतगुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने घोड़े की लगाम उत्ते ओह वार नूं रोक लिया। आखो सतनाम एक बार फिर सारे गज के कह दिओ सतनाम। एक पासे पेंदे खां ते एक पासे मीरी पीरी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहिब कहिंदे इहने पहला वार कीता सतगुरु जी ने घोड़े दी रकाब ते रोक लिया ते सतगुरु जी मुस्करा के कहिंदे अफसोस अफसोस पेंदे खां तेरा पहला वार खाली चला गया हुण जरा जोर नाल वार कर। कहिंदे ने फिर घोड़ा भजाया बड़े जोर नाल वार कीता कहिंदे जदों जोर नाल वार कीता सतगुरु ने वार ढाल दे उत्ते रोक लिया वार इन्ने जोर दा सी कहिंदे ढाल दे विचों जिवें अग दे चंगियाड़े निकलदे ने इस तरह निकलियां चंगियाड़ियां वार जोर दा सी पर अगे जिते वार कर रहा है वह भी ते मीरी पीरी दा मालक धन गुरु छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब ने बड़ योधा बपर उपकारी योधा पेंदे खां भी बहुत वड्डा सी। सतगुरु जी ने वार रोकिया ते कहन लगे अफसोस पेंदे खां तेरा दूजा वार भी खाली चला गया कहिंदे पेंदे खां हुण जरा होशियारी नाल जरा चलाकी नाल जरा जोर नाल जरा तान नाल हुण वार कर ली क्योंकि तीजा वार तेरा करन दा समां मुड़ के समां नहीं मिलेगा वार करन दा हुण जोर नाल वार कर ली किते ऐसा ना होवे कि वार करन दा ढंग भी तैनू सिखाउणा पए सानू। कहिंदे पेंदे खां ने बड़े जोश विच आ के बड़े जोर नाल आके इन्हें इन्नी जोर दा वार किया कहिंदे सतगुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने इहदे वार नूं अपनी श्री साहिब ते तलवार दे उत्ते रोक लिया और पेंदे खां दी जिहड़ी तलवार सी ना इहदा हेठां तों फल टुट गया धरती ते डिग गई घोड़े उतरिया ते सतगुरु हरगोबिंद साहब महाराज उतरे कहन लगे पेंदे खां अफसोस है तेरे उत्ते
कि तेरे तीन वार खाली चले गए। आ तेनू अज आखिरी ढंग भी दसते ने धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने एकदम अकाल पुरख नूं त्या के मानो के चारिया होवे सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत पुरजा पुरजा कटमर कबू ना छाड़ा खेत त्या के अकाल पुरख पेंदे खान क्या पेंदे खान वार इस तरह नहीं वार है क्यों करीदा है गुरानू जदों खाने
ਆ ਗੁਰਾਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਮਾਰ ਟਾਲ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਪਰ ਕਲਮਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਪੈਂਦੇ ਖਾਣ ਲੈ तलवार पेंदे खान दे हो हो पौरी उठ गया निकले प्राण गुरु जी तेरिया धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी ने एको वार पेंदे खां दे जदो किता मोढ़े तो लैके छाती नू चीरदा वापस आ गया पेंदे खां धरती ते डिगा कहिंदे सूरज बड़ा जोर दा धुप बड़े जोर दी सी सतगुरु जी ने ढाल दे नाल छां कर ली फिर भी पेंदे खां ते क्योंकि पुत्रा वांगू पालिया सी उहदे सिर ते करके छां धन गुरु हरगोबिंद साहब जी कहन लगे पेंदे खां बड़ा समझाया पर नहीं मनिया ओए तेरा मान तेरी मैं तेरा अहंकार तेरा स्वार्थ तेरी खुदी अज तेनू मौत दे मूँह विच लै करके चलेगी जे चंगा हुंदा माफ़ी मंग लैंदा ते ऐसा दिन कदे ना देखना पैंदा आखिरकार पेंदे खां मारिया गया मुखलस खां मारिया गया अनवर खां मारिया गया हुण काले खां ने सतगुरां ते वार किया ते काले खां भी मारिया गया ते काफ़ी खां जिहड़े रहिंदे सन उह मैदान छड के भज गए करतारपुर दा जंग सतगुरां ने जितया यही कहना किया अकाल पुरख तेरी कृपा दे नाल इह चौथा जंग भी अज फतेह हो गया इह तेरी कृपा होई सो इह सी करतारपुर दा चौथा जंग क्योंकि चार जंग मीरी पीरी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी ने लड़े सो इन्नी कु सेवा प्रवान करियो जिन्होंने ढाडिया साजना किया ढाडिया दातां बख्शियां ओ मीरी पीरी दे मालक दा गुणगान करदे आ अनेक प्रकार दियां भुल्लां चुकां गलतियां हो गई होणगियां संगतां बख्शणहार सतगुर बख्शणहार।